नाज़रीन, स्वागत है आप सबों का हमारे सारे बिहार मीडिया यूट्यूब चैनल में। आज हमारा मुद्दा है बिहार नगर निकाय चुनाव, जो कि अक्टूबर के महीने में होने वाला था, किसी कारण स्थगित कर दिया। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर से चुनाव कराने का फैसला लिया। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नगर पंचायत नरपतगंज वार्ड नंबर 14 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार नबीसा खातून, पति मोहम्मद सैफुल्ला के पुत्र जो के युवा समाज सेवी हैं, श्री मुन्ना जी। तो हम मुन्ना जी से पूछना चाहेंगे कि इस चुनाव के मामले को लेकर वो अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं। इस सभा में बैठे आप तमाम बुजुर्गों, दोस्तों एवं भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करता हूँ। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में। नगर पंचायत नरपतगंज वार्ड संख्या 14 के तमाम मतदाताओं, बहनों और भाइयों एवं दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि आप जानते हैं और आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि बिहार नगर निकाय चुनाव के सभी पदों का शंखनाद माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हो गया। मतदान की तिथि दो चरणों में सुनिश्चित की गई है। प्रथम चरण 18 दिसंबर 2022 एवं द्वितीय चरण 28 दिसंबर 2022 को सुनिश्चित किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से, वार्ड के विकास के इरादों से आपके बीच मेरी अम्मी नबीसा खातून, पति मोहम्मद सैफुल्ला, नगर पंचायत नरपतगंज वार्ड संख्या 14 से वार्ड पार्षद उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव निशान है ढोलक छाप। मुझे आशा है कि आप तमाम मतदाताओं का कीमती वोट मेरी अम्मी को ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे मतदाताओं, आप जब 28 दिसंबर 2022 को मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए जाए तो ये याद रखें कि ईवीएम के क्रम संख्या 2 पर ही ढोलक छाप अंकित है। आप तमाम मतदाताओं से गुजारिश है कि ढोलक छाप पर बटन दबाकर नबीसा खातून, पति मोहम्मद सैफुल्ला को भारी मतों से विजयी बनावे एवं सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद।